बच्चे कैसे हैं, क्या हाल है? सब बढ़िया। अभी मैंने सॉलिड स्टेट का नया सीरीज शुरू किया है और सीरीज में आपको पहला वीडियो मैंने ऑलरेडी शूट करके अपलोड कर दिया है। इसमें तो आप उसमें अगर देखोगे तो मैंने क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में मैंने बात की है। और आज अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो बेसिकली आज है कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मेरा टॉपिक है आज का। और मैं आपके सामने कोशिश करूंगा कि चीजें थोड़ी आसान हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला टाइप्स में अगर फर्स्ट टाइप में हम आते हैं तो फर्स्ट टाइप में आपको नजर आएगा दैट इज कॉल्ड आयनिक सॉलिड्स की मैं बात करूंगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, आयनिक सॉलिड्स कोई नई चीज नहीं है, आप पहले से भी जानते हैं कि जहां पे कैटायन और एनायन तो इसमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल क्या होंगे भाई, तो पार्टिकल की बात की जाए तो इसके अंदर कैटायन होंगे एंड एनायंस प्रेजेंट होगा। इनके बीच में क्या होगा, आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा। अगर आप इसके सॉलिड स्टेट में बात करें आप तो ये बैड कंडक्टर होते हैं, बट इसे अगर आप एक्वस मीडियम में डिजॉल्व करेंगे अगर ये आयंस में डिसोसिएट बिकम गुड कंडक्टर बन जाते हैं। एग्जाम्पल अगर आप जाने जितने सारे सॉल्ट आपको याद है NaCl, KCl, CaCl, CaCl2, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, इस तरह से दीज आर सॉलिड्स आर कॉल्ड आयनिक सॉलिड। सेकेंड पार्ट में मैं आऊंगा इस कॉल्ड कोवेलेंट सॉलिड। इसमें पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टेंट एटम्स इसमें होते हैं बेसिकली। जनरली ज्यादातर कंडीशन आप देखेंगे इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा और ये भी आपको ये पुअर कंडक्टर होंगे ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्ट यहां पे अगर मैं बात करूं सिर्फ एक ग्रेफाइट ऐसा कोवेलेंट सॉलिड है जो गुड कंडक्टर होता है। एग्जाम्पल में आप डायमंड के बारे में आपने सुना ही होगा, एक होता है सिलिकॉन कार्बाइड SiC, बोरोन नाइट्राइड इसे इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहते हैं। इस टाइप की चीजें आपको मिलेंगी जिसे आप कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड के फॉर्म में नेटवर्क स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, थ्री डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाया जाता है। थर्ड पार्ट पे अगर आप आएंगे, थर्ड पार्ट इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्डिंग जो मेटल के अंदर पाए जाते हैं। अगर पार्टिकल कॉन्स्टेंट पार्टिकल की बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करेंगे आप, यहां पे कर्नल एंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बेसिकली मेटालिक बॉन्ड कहलाता है। ये गुड कंडक्टर होंगे आपको। ये जितनी सारी चीजें बता रहा हूं दीज ऑल आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये। इनके अंदर एटम का अरेंजमेंट बिल्कुल रेगुलर होता है, रेगुलर एडल्ट अरेंजमेंट में पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल लेना चाहे इसमें आप तो जाहिर सी बात आप जानते हैं कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। फोर्थ टाइप में आएगा आपका दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगर हम फोर्थ पार्ट में दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल की बात करें इसमें एटम्स भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे एटम की बात करें तो हीलियम, मॉलिक्यूल की बात करो H2, O2, N2, H2O, ये सब मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स भी आपस में ये इंटरैक्ट करने के बाद ये सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट कर पाते हैं। सेकेंड पॉइंट अगर बॉन्डिंग की बात करें तो इनके बीच में बॉन्डिंग तो नहीं होता, इसमें वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। सेकेंड पॉइंट डायपोल डायपोल इंटरैक्शन हो सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट में अगर देखा जाए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी लाई करता है। जो भी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वो सब इस मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। वही बात इसमें भी पुअर कंडक्टर होंगे ये। इलेक्ट्रिसिटी
इसी एग्जांपल में जितने सारे गैस आपको याद है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियन, H2O, CO2 एक्सेट्रा, जितना भी आपने वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में पढ़ा था, जितने सारे गैसेस मॉलिक्यूल, आप उसका इस्तेमाल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इस फोर टाइप्स के इसके फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, जिसके अंदर बॉन्डिंग पाई जाती है। इसे जितने सारे कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स नेचर में पाए जाते हैं, वो सब के सब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के फॉर्म में मानेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इतनी सारी वैरायटीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स प्रेजेंट होगा। यहां तक ये भी शुरुआत ही है टॉपिक की, आप कह सकते हैं बेसिक्स बातें कर रहा हूं मैं अभी। अब इसके बाद जो टॉपिक शुरू होना है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको नेक्स्ट, आप इसके बाद का टॉपिक मैं शुरू करूंगा, बताऊंगा फिर इसमें क्या खास बात है।